अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंफॉर्मेशनल हाल में खुश आमदीद। दोस्तों आप जानते हैं TLP के मरकजी अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी को हुकूमत ने धोखे से गिरफ्तार किया, जिसके बाद मुल्क के हालात कशीदा हो गए थे। पुलिस ने TLP के काफी नौजवान को शहीद भी किया और बहुत से कारकुनान को गिरफ्तार भी किया। इसके बाद हुकूमत के TLP के मरकजी शूरा अराकीन के साथ मुज़ाकरात हो गए और धरने और एहतजाज खत्म कर दिए गए, लेकिन अभी तक हाफिज साद हुसैन रिजवी को रिहा नहीं किया गया। नाज़रीन आखिर इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं। दोस्तों इंफॉर्मेशनल हाल की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत एक बार फिर TLP को धोखा देने का सोच रही है। इसी वजह से अभी तक हाफिज साद हुसैन रिजवी की रिहाई को यकीनी नहीं बना रही। नाज़रीन साद रिजवी को रिहा न करने की एक वजह ये भी सामने आ रही है की हुकूमत फ्रांस का सफीर नहीं निकाल रही, जबकि करारदाद को भी मुस्बत नहीं ले रही। नाज़रीन जेल में भी हाफिज साद रिजवी को खरीदने की और प्रेशराइज करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक हाफिज साद हुसैन रिजवी इस्तकामत के साथ डटे हुए हैं। दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें।